सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। रोहिणी आचार्य के नामांकन के बाद से छपरा हॉट सीट बनी हुई थी। यहां मतदान भी हो गया, लेकिन यहां मतदान के दौरान चुनावी रंजिश देखने को मिली, गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की जान भी चली गई, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि घटना के बाद अब सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को भाजपा को कठघरे में खड़ा कर दिया है और भाजपा पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल PMCS पहुंची रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा हताशा में है, चुनाव हारने के डर से अब हिंसा पर उतर आई है। राजद के कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद गोली मारी गई है, हमसे यह बर्दाश्त नहीं होगा, भाजपा वालों ने गोलीबारी की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मतदान के समय प्रत्याशी के नाते वह बूथों पर घूम रही थी, इसी दौरान वहां हिंसा हुई है। वहां भाजपा के लोगों ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि वहां भाजपा के फर्जीवाड़े का विरोध किया गया था, इसी वजह से मंगलवार सुबह राजद के 3 कार्यकर्ताओं को भाजपा वालों ने गोली मार दी। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ वहाँ पे। हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी भाजपा वाले गुंडे को? हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, आप बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि जिले में चुनावी रंजिश में गोली चली है, जिसमें पहले एक व्यक्ति की मौत की सूचना आई थी। वहीं जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार घायलों की संख्या अब बढ़ गई है और मौतें भी बढ़ गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में बवाल बढ़ गया है, 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। तो देखिए रोहिणी आचार्य जिस तरह से भाजपा पर आरोप लगा रही हैं और यह क्लेम कर रही हैं कि भाजपा की तरफ से उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, साथ ही भाजपा की तरफ से ही गोलीबारी भी करवाई गई है और हिंसा भी हुई है, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इस पर जांच की मांग उठाई जा रही है, पप्पू यादव ने भी जांच की बात कही है। तो आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।